everyone, welcome to our channel from Kaushalya. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना. अब यहाँ पे वर्ड आया सम नेचुरल फिनोमिना. सो ये कौन से नेचुरल फिनोमिना है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में. ये नेचुरल फिनोमिना है जैसे आपने आसमान में बिजली को कड़कते हुए देखा है, लाइटनिंग को देखा है ना, तो वो क्यों होता है, वो लाइटनिंग क्यों आती है. जब वायर्स क्या होते हैं, लूज होते हैं ना, तो क्या होता है उनमें स्पार्क्स दिखाई देता है. जब वायर्स क्या होते हैं, लूज होते हैं, तो उनमें स्पार्क्स दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है. वहीं पे कोई सॉकेट है, सॉकेट में अगर वहां पे प्लग अगर क्या होता है, लूज होता है, तो वहां पर भी हमें स्पार्क्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना. ऐसा क्यों है, इसके क्या कारण है, ठीक है ना. तो ये सब हम समझेंगे, उससे पहले करते हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स. लेट्स रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट्स. चलो तो अब हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूज रिफिल लेंगे, ठीक है. यूज रिफिल लेने के बाद हम लेंगे कुछ कागज, लेंगे उसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे. करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे, ठीक है. पॉलीथीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन के ऊपर ये जो यूज रिफिल है इसको क्या करेंगे, रब करेंगे. कुछ टाइम तक रब करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने एक दो बार किया और इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, हमें कुछ टाइम तक इसको रब करना पड़ेगा, लाइक 30 सेकेंड, ठीक है. और इससे भी अच्छा ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो हम इसको फॉर 1 मिनट भी हम इसको रब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों. तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू में रब कर रहे हैं. अब हमें काफ़ी टाइम हो गया रब करते हुए. अब हम क्या करेंगे कि जहाँ से हमने रब किया ना, वहाँ से उसको नहीं टच करेंगे, ठीक है ना. अब हम क्या करेंगे, अब हमने जहाँ से रब किया ना, इसको ऐसा कैसा उठा के उठाने के बाद जो ये हमने जो कागज़ के पीसेस हमने जो किए थे उसके ऊपर हम इसको लेके जाएंगे. अब लेके जाएंगे तो देखो कुछ मैजिक हो रहा है. देखो ये, देखो ये जो ये देखो ये उठ रहे, कैन यू सी, सी द मैजिक, ये देखो मैजिक. देख सकते हो आप इस मैजिक को अच्छे से होते हुए. वैसा नहीं है कि अरे मैंने कोई धागा बांध रखा है उससे ये उठ रहे हैं, नहीं 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 ये मैजिक ही है बेटा. बट मैजिक में भी क्या है, इसमें साइंस है. देख सकते हो आप क्लियरली इसमें, ये देखो, ठीक है ना. आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो कागज के पीसेस है वो इसके साथ ही क्या हो रहे हैं, लेफ्ट हो रही है, देखो, ठीक है. तो इस प्रकार हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे. अब इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं. अभी हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट, मैजिक था, नहीं मैजिक नहीं था, वो था साइंस. वहां पे लग रही थी साइंस. अब साइंस क्या लग रही थी, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. वहां पे हुआ क्या था कि हमने क्या किया था, ये जो रिफिल था, ठीक है, दिख रहे हो आप इस रिफिल को, दिख रहा है ये जो रिफिल था, इसको हमने पॉलीथीन की जो वो थी ना, हमारे पास पॉलीथीन था, उसे हमने क्या किया, इसको रब किया. रब करने से हुआ क्या, जिससे ये कागज को क्या करने, जो कागज के जो पीसेस थे उनको क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे. ऐसा क्या हुआ रब करने से, रब करने से हुआ यूं कि जो ये जो रिफिल है, रिफिल के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया. क्या आ गया, चार्ज आ गया. और किसी की मतलब कोई भी चीज होती है, अगर उसके ऊपर चार्ज आता है तो वो क्या करता है, या तो चीजों को रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है, ये दो काम करता है, ठीक है. तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो इसने क्या किया, उन जो कागज के जो पीसेस थे उनको क्या किया, अट्रैक्ट किया. बात समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है. कागज के पीसेस अट्रैक्ट क्यों हुए, बिकॉज ऑफ द चार्ज, ठीक है ना, जो इसने गेन किया था. अब हम बात करते हैं एक ही सिमिलर सा एक एग्जांपल और लेते हैं, कि एक स्केल लेते हैं, स्केल लेके उसको, स्केल को आप ड्राई हेयर के ऊपर क्या करो, रब करो. क्या करो, ड्राई हेयर्स के ऊपर क्या करो, रब करो, जिससे क्या होगा, स्केल के अंदर चार्ज आ जाएगा. चार्ज आने के बाद अब क्या करेंगे हम, वैसे ही जो छोटे छोटे जो कागज के पीसेस है उनके ऊपर उस स्केल को लेके जाएंगे, तो सिमिलरली इसी की तरह वो क्या करेगा, कागज के पीसेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. बात समझ आ गई, ठीक है. क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने जब उसको स्केल को बालों के साथ रब किया तो उससे क्या आ गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया. बात समझ आ गई, ठीक है. अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैडम बार बार चार्ज चार्ज यूज करी, चार्ज है क्या. तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है. अब चार्ज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जाना पड़ेगा,
इसको देखने के लिए कि जो पृथ्वी के जो अर्थ के जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब किससे बने होते हैं, एटम से बने, ईच एंड इंडिविजुअल जो चीज है वो सब किससे बनी हुई, एटम से बनी हुई है, ठीक है। अब ये एटम होता है, इसके अंदर होता क्या है, अब जो एटम है इसके अंदर तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तीन चीजें होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती है, ठीक है। जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब होता क्या है कि जब हमने रिफिल था उसको हमने जब प्लास्टिक का जो पॉलिथीन था उससे हमने इसको रब किया तो हुआ क्या कि वो जो रिफिल है वो चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर क्या हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन्स आ गए या कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब तो क्या होगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब रिलीज हो जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे बेटा, देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से जब हम किसी भी चीज के ऊपर रब करते हैं तो मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी मूव नहीं करते। अब हुआ क्या कि जितने भी जो उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब उससे ज्यादा आ गए तो फिर वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर उससे कम हो जाते हैं, ठीक है, अगर हमने उसको रब किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निकल के दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चले गए, पहले वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वहां पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब वहां पर क्या आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वहां पर वो चीजें क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो होते हैं ना चीजें वो क्या होती है, चार्ज होती है। बात समझ आ गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही होता है जिसके कारण ये चीजें क्या होती है, चार्ज होती है। आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ड आया है जो काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको बता दिया। टू टाइप के जो चार्जेस होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है चार्ज होता है निगेटिव, ठीक है ना, दो प्रकार के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना। अब होता क्या है कि भाई देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ये चीज समझ आएगी कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में जब होते हैं तब क्या होता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है जब क्या होता है, जब नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये जो मैंने बात बताई ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये फॉर मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए इसको मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। अब देखो हम क्या एक बार दो बलून लेते हैं, ठीक है ना, दो बलून ले लिए, एक और बी, यहाँ पे ये ए बलून है ये बी बलून है, ठीक है। अब है बलून है तो सेम ही मटेरियल होगा। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको किसी वुलन से क्या किया, इसको रब किया, वुलन या फिर सिल्क, ठीक है ना, उससे क्या किया हमने, इसको रब किया। अब जैसे हम इसको रब करते हैं ना तो होता क्या है कि ये क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। आपको पता है रब करने से क्या होगा, वहां पे चार्ज हो जाएंगे। अब जैसे ही रब करेंगे ये चार्ज होंगे, तो चार्ज होने के बाद इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस आएगा आएगा, ठीक है। अब दोनों को हमने सेम ही चीज से, लाइक इसको भी वुलन से किया तो इसको भी वुलन से, या इसको सिल्क से किया तो फिर इसको भी सिल्क से किया। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मतलब रब करने के बाद ये चार्ज हो गए तो इन दोनों को हम लेके आ रहे हैं पास में। जैसे पास में लेके आए तो हमें महसूस होता है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ ये हमको यहाँ पे समझना है कि हमने जब इस दोनों को पास में लेके आए तो रिपेल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जैसे हमने इन दोनों को वुलन से ही क्या किया है, रब किया, अब वुलन से ही रब किया है तो हुआ क्या है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज आया है तो वो आया तो सेम ही है। अगर मान लो बलून है, बलून के ऊपर इस बलून के पॉजिटिव चार्ज आया है तो पास वाले बलून के ऊपर भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज ही आया होगा, ठीक है भाई। अगर मान लो इस बलून के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है तो उस वाले बलून के ऊपर भी नेगेटिव ही चार्ज आएगा, क्योंकि है तो दोनों सेम ही मटेरियल के, और हमने रब भी तो किससे किया है, सेम ही से किया ना, हमने रब भी तो वुलन से ही किया है, जिससे क्या होगा इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। अब चार्ज दोनों में सेम सेम आया, ठीक है, और हम इस दोनों को पास में लेके गए तो उसे क्या है, रिपेल कर रहे। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक चीज ये समझ आ रही है कि जब जो सेम जो चार्ज होते हैं उसको हम जब पास में लेके आते हैं
तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। सेम चार्जेस के जो ऑब्जेक्ट है उनको जब पास में लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। अब मान लो ये जो रिफिल था, हमने जैसे रिफिल से एक्सपेरिमेंट किया था, रिफिल को हमने पॉलीथीन के ऊपर रब किया था, अब रब किया था ना, अब क्या कर रहे हैं हम उस जो रिफिल है, ठीक है ना, उस जो रिफिल है उसके उसको अगर हम इससे ना इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, जो बलून है उस रिफिल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जो रिफिल है जो पॉलीथीन से लग रही थी, मतलब उसके ऊपर क्या आया, कुछ दूसरा चार्ज है, लाइक अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज था जिसके कारण ये क्या किया, इसने उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के लिए तो चार्जेस भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे दोनों के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्जेस आया, ठीक है, माइनस का मान लेते हैं, ठीक है, और वहीं पे उसके ऊपर अगर पॉजिटिव का चार्ज है तो फिर क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है ना। इसी कारण जब हम जो 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 इसको रब किए हुए बलून को, अगर हम जो रिफिल होता है जिसको हमने क्या किया है पॉलीथीन से रब किया, उसके पास लेके जाते हैं, तो ये जो बलून होता है रिफिल को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं, रिफिल और जो बलून होता है, उनके जो जो चार्जेस है वो क्या होंगे, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे हमें एक चीज पता लगी कि जो चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, अगर वो डिफरेंट के हो ना, क्या हो, डिफरेंट चार्जेस हो, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहीं पे सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इंट्रैक्शन हो गया। और काइंड्स ऑफ चार्जेस आप लोगों को पता ही है कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ऐसा करके हमने ये यहाँ पे ये बात देख ली है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, और एक हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम मैंने आपको इनवर्ड्स लिख दिया, ठीक है ना, उसको समझने से पहले उसको एक इनवर्ड्स लिख देते। देखो, सेम काइंड चार्जेस रिपेल ईच अदर, वहीं पे डिफरेंट काइंड चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, बात समझ आ गई। और काइंड्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब ये क्या होते हैं, चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, तो जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं ना, तो वहां पर क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने जैसे पिछले जो हमारे जो चैप्टर्स थे उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट था। इलेक्ट्रिक करंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज जब क्या करता है, मूव करता है, तो वहां पे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब ये हुआ, चलो इसको इरेज करती हूँ फिर लिखती हूँ, ठीक है। तो व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें चार्जेस भी समझ आ गए, ठीक है, और जो इंट्रैक्शन होता है चार्जेस का आपस में वो कैसे होता है वो भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। और वहीं पर हमें ये भी समझ आ गया कि जब चार्जेस जब मूव करते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे बनता है। अब वहां पे हम देखते हैं जो मैंने आपको पहले बोला था, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के बारे में हम अभी अब बात करें, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने एक इक्विपमेंट बना, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक जार लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना, कांच का जार लिया जिसमें हमें सारी चीजें विजिबल हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जार लिया है, जार लेने के बाद हमने इसके ऊपर क्या लगाया, एक ढक्कन लगाया, ठीक है ना, ढक्कन लगाया, उसके अंदर क्या किया, एक होल किया, ठीक है ना, होल किया, जिससे हम ये जो मेटल की जो है ना पेपर क्लिप है मेटल की, इसको हम क्या कर सके, डाल सके, ठीक है ना। अब ये क्या है, मेटल की है पेपर क्लिप, ठीक है ना, अब ये जो नीचे की तरफ जो लगाया ना वो क्या, एल्यूमिनियम फॉइल की हमने क्या बनाई है, जो पतली पतली शीट है ना वो बनाई है, ठीक है ना, पेपर बना है एल्यूमिनियम फॉइल का, ठीक है ना। ये जो है शीट है वो किसकी है, एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है बच्चों, अभी एल्यूमिनियम फॉइल है। और यहां पर यह ना ये जो क्या, ये रिफिल है, क्या है, रिफिल है, रिफिल को हम चार्ज कर सकते हैं पॉलीथीन के ऊपर रब करके, ठीक है ना। हमने क्या किया, पॉलीथीन के ऊपर रब करके हमने इस रिफिल को क्या किया, चार्ज किया, चार्ज कर दिया। अब चार्ज करने के बाद में हमने क्या किया, ये जो रिफिल है, रिफिल को हमने क्या कर दिया, इस मेटल के ऊपर लाके रख दिया, ठीक है ना। ये जो मेटल का जो पेपर क्लिप है इसके ऊपर लाके रखा, जैसे हमने इसके ऊपर लाके रखा और इसको अटैच किया,
तो ये जो चार्ज था, जो रिफिल के ऊपर चार्ज था, वो किसमें चला गया? इस जो मेटल के पेपर क्लिप है इसके अंदर चला गया, ठीक है ना। अब जैसे ये चार्ज मेटल के पेपर क्लिप में गया, उससे कहां पर चला गया? ये एल्यूमिनियम फॉइल में चला गया। कहां पे चला गया चार्ज? एल्यूमिनियम फॉइल में चला गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो भी चार्ज होगा, लाइक पॉजिटिव होगा, एक ही चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, दोनों में से एक चार्ज होगा। मान लो ये क्या है, यहाँ से कौन सा चार्ज निकला? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मेटल के पेपर क्लिप से जाके इन दोनों के ऊपर जाएगा, तो वही बात है, नेगेटिव इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज जाएगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ऊपर से आ भी तो क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज। अब हमने अभी देखा था, जब सेम चार्ज होते हैं आपस में, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है ना। जिससे ये क्या हो रही है, एल्यूमिनियम फॉइल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये एल्यूमिनियम फॉइल एक दूसरे को यहाँ पर रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हमने देख लिया कि रिपेल कर क्यों रहे, बिकॉज ऑफ द सेम काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अब क्या करो कि आप है ना, आप जो ये मेटल की जो पेपर क्लिप है ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा टच कर लो, ठीक है ना। टच करोगे ना, तो टच करने के बाद में जस्ट क्या होगा, ये जो मेटल जो एल्यूमिनियम फॉइल की जो हमने जो पेपर क्लिप बनाई, ये क्या हो जाएगी? अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगी। लाइक जैसे नॉर्मल पोजिशन में कैसे रहनी है, ऐसे रहनी है, ठीक है ना, वैसे हो जाएगी, ठीक है ना, वैसे हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? चार्ज कहाँ पे गया? क्वेश्चन आता हमारे पास, चार्ज गया कहाँ? अब चार्ज बेटा गया कहाँ पे? हमने जैसे इस मेटल के पेपर क्लिप को टच किया, टच करते क्या हो गया, चार्ज हमारे अंदर आ गया, ठीक है ना। अब हमारे थ्रू वो चार्ज कहाँ पे चला गया? अर्थ में चला गया। क्या, कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, उसके द्वारा जो चार्ज है मतलब कहाँ पे चला जाए? अर्थ में चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको जैसे टच किया, हमारे से चार्ज होके अर्थ में चला गया, ठीक है, क्योंकि हम में तो चार्ज रह नहीं सकता, ठीक है ना। हमसे चार्ज कहाँ पे चला गया? अर्थ में चला गया, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं? हम अर्थिंग बोलते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये और है कि जब हमने यहाँ के इसके ऊपर चार्ज भेजा तो ये रिपेल किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं कोई ऐसी चीज लगाऊं जिसके ऊपर वो चार्ज नहीं है, वो क्या है, वो चार्ज नहीं है, मान लो, ठीक है, मैंने मार्कर लगाया, ये मैंने इसको चार्ज नहीं किया, ठीक है, चार्ज बिल्कुल नहीं किया मैं यहाँ पे इसको ऊपर रख रही हूँ, रखने के बाद बताओ इसको मैंने चार्ज नहीं किया, तो ये यहाँ से कुछ चार्ज जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, क्योंकि मैंने इसको कुछ चार्ज ही नहीं किया, इसके पास कुछ चार्ज ही नहीं है जो इसको मेटल को दे, ठीक है ना। कुछ चार्ज नहीं है तो मेटल को क्या देगा? कुछ देगा नहीं, तो आगे जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो क्या होगी? वो रिपेल नहीं करेगी एक दूसरे को। बात समझ आ गई क्या? वो रिपेल नहीं करेगी। तो इस जो ये इक्विपमेंट है, इससे हम एक चीज से यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस इक्विपमेंट से हम किसी भी जो डिवाइस है, ठीक है ना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर चार्ज है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना पता, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं है, ऐसे इक्विपमेंट से हम इसको पता कर सकते हैं कि भाई कोई भी डिवाइस उसके अंदर चार्ज है या फिर नहीं है, ठीक है। नहीं होगा तो ये एल्यूमिनियम फॉइल क्या होगी? रिपेल नहीं करेगी। अगर होगा तो रिपेल कर जाएगी। इससे हमें पता लग रहा है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसके अंदर चार्ज है और किसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है कि डिवाइसेस के अंदर चार्ज का पता करना कि वो डिवाइसेस चार्ज है या फिर नहीं है। बात यहाँ पे समझ आ गई आपको, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे, ये जो मेटल क्लिप है, हम आप पूछोगे मैडम ये मेटल क्लिप आपने ये जो ली है वो मेटल की क्यों ली? आप कागज की भी तो ले सकते थे, और भी तो कोई जो होगी उससे उसकी ले सकते, कोई भी और मटेरियल प्लास्टिक की ले लेते, ठीक है। आपने इसके मेटल की क्यों ली? मेटल किस लिए ली बेटा? क्योंकि जो मेटल होता है वो क्या करता है, चार्ज को बहुत ही एफिशिएंसी के साथ क्या करता है, फ्लो करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो मेटल क्लिप ली है, वो जो क्लिप ली है वो मेटल के लिए, ठीक है ना। प्लास्टिक के अंदर चार्ज एफिशिएंसी के साथ फ्लो नहीं होता, ठीक है ना। मेटल के अंदर चार्ज होता है बहुत ही एफिशिएंसी के साथ, और इसीलिए बोलते हैं ना कि धातु क्या होती है, धारा की अच्छी वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, ठीक है ना। मेटल क्या होता है, करंट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, मेटल के अंदर चार्जेस बहुत एफिशिएंसी के साथ फ्लो होते हैं, ठीक है ना। इसके वजह से हम यहाँ पे मेटल क्लिप ले रहे हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आपको दोनों चीजें नोट डाउन कर दी, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, और यहाँ पे हमने जो अभी हमने समझा था कि जो अर्थिंग है वो क्या होता है, यही जो अर्थिंग है वही क्या है, ट्रांसफर्स ऑफ चार्जेस है। बात समझ आ गई।
चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रोस्कोप का डेफिनेशन। ठीक है, और इसके अलावा हमने डायग्राम बनाया था, आप वो भी उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सच ए डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसको हमने पहले अच्छे से समझ लिया था। अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको यहाँ पे दोनों डेफिनेशन लिख लिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।